गिलोरी बनाने के लिए हमें चाहिए खोया या मावा हाफ कप, चॉप्ड नट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ताशियो, कैश्यूज एंड आलमंड्स, डेसिकेटेड कोकोनट और इलायची पाउडर और एक आम। थोड़ा बड़ा साइज़ का होने से बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले हम खोया को माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए गर्म कर देंगे ताकि वो पिघल जाए। मावा हमारा पिघल गया है, अभी हम इसमें सारा नट्स इलायची पाउडर एंड डेसिकेटेड कोकोनट डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं जितना चाहे, और ये हमारा फिलिंग रेडी है। ये देखिए मैंगो को अभी हम पील कर लेंगे। इसके लिए हम पूरा पका हुआ लेंगे लेकिन थोड़ा सा हल्का जैसे पील करना होगा वैसे ही आप मैंगो लीजिए, ज़्यादा पका हुआ भी इसके लिए ठीक नहीं होता। अभी हम इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कट करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस। मैंगो का स्लाइस हम लेंगे इस तरह से और इसको एक पान की शेप में हम एक कोन की शेप में मोड़ लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा फिलिंग है उसको भर लेंगे इसके अंदर इस तरह, और इसको प्लेट में रख देंगे। सिमिलरली वैसे ही हम सारे पान कर बना लेंगे आम के पान। ये देखिए ये थोड़ा नाजुक होता है तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिए लाइक दिस। है ना ये आसान, बहुत ही इजी, 5 मिनट में रेडी हो जाता है। अच्छे से बंद होना चाहिए ये ध्यान रखें, और ये हमारा चांदी का वर्क रखा है मैंने सिल्वर फॉइल, इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखने में है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट हम छिड़केंगे और थोड़ा सा हम चॉप्ड आलमंड्स लगा देंगे।
तो ये रही 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही इजी डिज़र्ट, आम से बनी पान गिलोरी। इसको अच्छे से बनाइए, ट्राई कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।